कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सही वो सही, क्या अनहेल्दी बॉक्स ऑफिस सिनेरियो ने किया किंग खान को नर्वस? क्या शाहरुख डॉन के अवतार के लिए नहीं है रेडी? हेलो दोस्तों, मैं हूं स्प्रिया, मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। और आज खबर लेकर आई हूं डॉन 3 के बारे में। डॉन ओरिजिनल फिल्म जिसे सलीम जावेद ने लिखा है और चंद्र बरोट ने डायरेक्ट किया और अमिताभ बच्चन ने मेन किरदार निभाया था। रीमेक सीरीज जावेद अख्तर और उनके बेटे फरहान अख्तर ने बनाई, जिसमें शाहरुख खान ने मेन किरदार निभाया था और प्रियंका चोपड़ा, बोमन ईरानी और ओम पुरी भी डॉन 2 में शामिल थे। डॉन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म फ्रेंचाइज में से एक है। अब डॉन 2 के बाद डॉन 3 का हाइप फैंस में बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सुनने में आया है कि फरहान अख्तर ने डॉन 3 के लिए अपनी कलम उठा ली है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, क्या किंग खान ने स्क्रिप्ट रिजेक्ट की होगी? बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान जो कुछ समय के लिए ब्रेक पर जाने के बाद भी सुर्खियों में छाए रहे हैं, अब वो चाहे उनके बेटे की वजह से हो या फिर आने वाले ब्लॉकबस्टर फिल्मों की वजह से हो, लेकिन कहते हैं ना, बादशाह तो बादशाह ही रहेगा। और उन्होंने ये पठान का पोस्टर लॉन्च करके साबित भी किया, जिस पर फैंस की तरफ से उनकी वापसी पर काफी ओवरवेल्म्ड रिस्पॉन्स भी मिला। लेकिन लाल सिंह चड्ढा फिल्म से जो बॉयकॉट का चलन शुरू हुआ है, उसने बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स को हिला के रख दिया है। यहाँ तक कि शाहरुख की पठान भी बॉयकॉट ट्रेंड के चंगुल में आ गई है। इस वक्त ऑडियंस फिल्म के कॉन्सेप्ट को लेकर इतनी सीरियस हो गई है कि हर छोटी सी छोटी बात पर ध्यान देना शुरू हो गया है। जैसे अगर कोई एक्टर असलियत में कुछ कहता है और उसके ऑपोजिट कॉन्सेप्ट पर फिल्म बनाता है, तो पब्लिक उन्हें हिपोक्रिट बोलने लगती है। और फिर फिल्म के हिट होने की उम्मीद तो छोड़ो, एक्टर्स को एक्सप्लेनेशन देने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे में शाहरुख खान, जिनके फैंस के लिए फिल्म में उनकी प्रेजेंस ही काफी होती थी, वो सिनेरियो अब पूरी तरह से बदल गया है। शाहरुख खान जो अपनी आने वाली बड़ी फिल्में जैसे पठान, जवान, डंकी के लिए टॉक ऑफ द टाउन है, वो खबर ये है कि उन्होंने डॉन 3 फिल्म की स्क्रिप्ट कन्विंसिंग ना लगने की वजह से रिजेक्ट कर दी है। और हमारी माने तो उनका स्क्रिप्ट के मामले में सावधान रहना ठीक भी है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस के अनहेल्दी सिनेरियो में फिल्म डॉन 3, जिससे दर्शकों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, अगर वो उनकी उम्मीदों तक नहीं पहुंच पाई तो शाहरुख खान के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती है। क्योंकि आज की ऑडियंस वो ऑडियंस है जिसने थिएटर में ना जाना सीख लिया है, और इसका शिकार बन चुकी है आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन। डॉन फिल्म एक फ्रेंचाइज ऐसी है जिसके अगर रीमेक या स्पिन ऑफ किसी दूसरी भाषा में भी बनते हैं तो वो भी हिट होती है। तो सोचिए ना, डॉन 3 इस वक्त कितनी अवेटेड और एंटिसिपेटेड फिल्म है, और शाहरुख जो अभी बैक टू बैक फिल्मों में व्यस्त है, वो डॉन 3 फिल्म जो ऑलरेडी एक प्रमोटेड ब्रांड है, इसके किरदार में आने के लिए उन्हें टाइम की जरूरत तो पड़ेगी ही। डॉन 3 के बैडास स्टाइलिश क्रिमिनल कैरेक्टर के लिए उनके फोकस और अटेंशन की जरूरत है, और इस वक्त पठान और जवान के रोल्स में बिजी किंग खान डॉन 3 की स्क्रिप्टिंग और कैरेक्टर के लिए अपना पूरा वक्त लेंगे। उम्मीद है कि शाहरुख का स्वीट टाइम और ऑडियंस के इंतजार का फिल्म मीठा ही होगा। चलिए, तब तक के लिए हमें आपसे इजाजत लेना होगा, और अगर आप डॉन 3 से रिलेटेड खबरें जानते रहना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।